नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी बिहार के राशन कार्ड धारियों में से एक है तो आपका राशन कार्ड भी कहीं संदेह के घेरे में तो नहीं, क्योंकि हाल ही में बिहार में ऐसी जानकारी निकल कर के सामने आई है जिसके तहत एक राशन कार्ड पर 20 से अधिक पारिवारिक सदस्यों के नाम पाए गए हैं, जिसके कारण ही अब 3 लाख राशन कार्ड संदेह के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि अब इन सब राशन कार्ड धारक वालों के परिवारों का सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सत्यापन को लेकर अपना आदेश भी जारी कर दिया है। ऐसे में सभी जिलों से कहा गया है कि अगर पारिवारिक सदस्यों का सत्यापन नहीं होता है तो इन राशन कार्ड को रद्द किया जाए। इसको लेकर जिलावार ऐसे राशन कार्डधारी परिवारों की सूची बनाने का काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार के अलग अलग जिलों में ये जानकारी निकल करके सामने आई थी कि कई ऐसे राशन कार्ड की जानकारी मिल रही है जिन पर पारिवारिक सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसको देखते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक के निर्देश पर OSD संगीता सिंह ने इसको लेकर के सभी जिलों में ऐसे राशन कार्ड की संख्या बहुत अधिक बताई है जिनमें 20 से अधिक पारिवारिक सदस्यों के नाम शामिल है। विभाग को आशंका है कि इन सभी कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न की कालाबाजारी की भी आशंका है। आज के दौर में एक परिवार के राशन कार्ड में 20 सदस्यों के नाम शामिल होना आश्चर्य की बात है, जिसके बाद ही अब बिहार में तेजी से विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी SDO को इनका सत्यापन कराने को कह दिया है। साथ ही यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इन संदिग्ध राशन कार्ड की जांच की जाए। विभागीय अधिकारियों की माने तो राशन कार्ड सत्यापन के लिए सभी SDO को 15 दिन का समय दिया गया है। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बड़ी संख्या में राज्य के निवासियों के नाम पर राज्य में ही और दूसरे राज्य में भी राशन कार्ड पाए गए। SDO को ऐसे सभी राशन कार्ड धारियों के सत्यापन का आदेश भी इसी को ध्यान में रखकर दिया गया है, जहां कहा गया है कि जांच कर लिया जाए कि लाभार्थी परिवार वास्तव में कहां रह रहे हैं। अगर परिवार यहां नहीं रह रहा तो उस राशन कार्ड को रद्द किया जाए। ऐसी जानकारी मिली है कि एक ही कार्डधारी के पैतृक घर पर भी खाद्यान्न का उठाव किया गया है और उसी के नाम से दूसरे राज्य में बने राशन कार्ड से भी उतना ही खाद्यान्न का उठाव किया गया है, जिसके बाद ही अब प्रखंडवार राशन कार्डधारियों की सूची बनाई जा रही है। सत्यापन में पारिवारिक सदस्यों की जानकारी गलत पाई जाती है तो कार्ड रद्द किया जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड का दोहराव भी जानकारी में आया है। ऐसे कार्डधारियों का एक जगह का कार्ड निरस्त भी किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके राशन कार्ड में भी ऐसी कोई समस्या है तो जल्दी से जल्दी को उसकी जांच करवाएं और अपना नाम इस पूरी सूची में चेक करें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।